Jinanam Jiyavayanam Namo Jinanam Jiyavayanam Namo Jinanam Jiyavayanam. कोई भी दर्दी को आप भेज सकते हो, कोई भी दुखी जन को भेज सकते हो, कोई भी दुश्मन को भेज सकते हो. सबसे पहला जो आपको लगता है कि मेरे ये बीच में नड़ता है या आपके साथ घर्षण करता है, मारा मारी करता है, उसको पहले भेजना, देखना क्या चमत्कार होता है. यस, दिस इज ट्रेमेंडस पावर. दिल से करना. दिस इज नॉट ए एक्सरसाइज. दिस इज नॉट ए मैकेनिकल रोबोटिक एक्सरसाइज. ये मैकेनिकल नहीं है, ये केमिकल है, ये केमिस्ट्री है. जब आपकी केमिस्ट्री दिल से निकलेगी तभी रिजल्ट आएगा, ये ध्यान में रखना. कई लोग आते हैं मेरे को, बोलते हैं अरे मैं ये सब करता हूँ, कुछ होता नहीं है. वो मैकेनिकल कर रहा है, दिल से कभी नहीं किया है. ये सिलेबस पूरा नहीं करने का है, हाँ? एक क्रियाकांड पूरा हो गया ऐसा नहीं है. ये क्रियाकांड नहीं है, ये क्या है? हाँ, ये केमिस्ट्री है, दिल की केमिस्ट्री है. परमात्मा की कृपा हम दिल से बांट रहे हैं ताकि जो हमसे नाराज है वो सही हो जाए. हाँ, हमसे नाराज है कोई ना कोई, हमारा होगा कुछ तो वो शांत हो जाए. उसको उनको कृपा दो, भगवान की कृपा सब दो कि भाई उनकी नाराजी शांत हो जाए. उनको भगवान को बोलो, उनको जो चाहिए सब दे दो, जो चाहिए सब दे दो. हाँ, ऐसी कृपा भेज सकते हो आप. दिस इज द पावर. अगर आप इंसान हो तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर बनो, ये धंधा करो, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खोल दो भगवान की कृपा की. लेकिन दिल वाली, दिमाग वाली नहीं. चला ये नड़ता है, नमो जिनानम नमो जिनानम, ये नहीं चलने वाला है. समझ गए? वो कृपा आएगी, दिल तक जाएगी, फिर उसको देना है. दिल से देना, दिमाग से ऐसा ऐसा मत देना, है? दिल से. नमो जिनानम जिय भयानम. दिस इज द केमिस्ट्री. समझ में आ रहा है? करके देखना, देखो कैसे आपके जीवन नहीं बदले तो बताना, आना मेरे पास. अब सिग्मा थ्री. सिग्मा थ्री में क्या करेंगे? सिग्मा थ्री यानि नमो भाव, नमन शरण समर्पण. जो आपने ये दो चीज सुनी ना स्टार्टिंग में, मुझे नहीं होना परेशान, नमो जिनानम जिय भयानम, उसको अहोभाव से स्वीकारो, यानि नमन हो गया. जो हमने बताया उसको ध्यान से सुनो और जीवन में उतारने का निर्णय लो, उसे शरण बोलते हैं. रण में से निकलना है तो शरण लेना पड़ेगा. क्या? रण में से निकलना है, रण रणभूमि से. रण रण मैंने पता है ना, रण का अर्थ क्या? हाँ, डेजर्ट. डेजर्ट में से बाहर निकलना है, रणभूमि से बाहर निकलना है तो शरण लेना पड़ेगा. किसका शरण? परमात्मा का शरण. ये दोष इसके अंदर शरण आ गया, नमो जिनानम, ये शरण है. और तीसरा समर्पण, जो भगवान ने बताया इस प्रकार उसका इंप्लीमेंटेशन, अमलीकरण. अभी मुझे बताओ कि आप अट्ठाई करो, मांस खमण करो, वर्षी तप करो, जीवन भर करो, उसमें ज्यादा परिणाम मिलेगा कि ये अभी हम बता रहे हैं उसमें परिणाम मिलेगा? बताओ मुझे. ये इंस्टेंट मिलेगा कि अगले भव में मिलेगा? अभी कौन सा माल चाहिए, इंस्टेंट वाला, रोकड़ा के चोपड़ा वाला? देखो दो ऑप्शन है. हाँ, हम लोग ने 2011 में नौकार मंत्र की शिविर
साधु भगवंत, आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत सबके लिए किया था, 400 साधु साध्वी 2011 सन, गच्छाधिपति कला प्रभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब, किनके सांसारिक बेटे थे, कला पूर्ण सुरीश्वर जी के सांसारिक पुत्र, वो कला प्रभ सुरीश्वर जी गच्छाधिपति, जब हमारी शिविर हुई कंप्लीट हुई उन्होंने स्वयं अटेंड की, उनके 350 का परिवार था साधु साधुओं का, सबने अटेंड किया, और उसके बाद हमारे सेवक पूछने गए, उन्होंने कुतूहलता से उनको पूछा कि साहब हम सही रास्ते पे हैं कि नहीं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया पता है, बोले कि आप जो मार्ग में हो वो रोकड़ा है, हम जो सिखाते प्रवचन देते व्याख्यान देते वो कि कहाँ पर है, चोपड़े में है, चोपड़े में है, चोपड़े में है, आपने एकासना किया, उपवास किया, एम्बिल किया, जो भी किया वो चोपड़े में चढ़ता है, रोकड़ा हो न भी हो लेकिन ये तो इंस्टेंट कांस्टेंट रोकड़ा हिसाब, बोलो कौन सा मार्ग चाहिए, ये मैंने नहीं बोला हाँ भाई, ये रोकड़ा और चोपड़ा है, मेरे को तो पता ही नहीं था ये रोकड़ा चोपड़ा क्या होता है। नमोजिनानम, आई वॉज देयर, एक्चुअली मैं उधर ही था, तो उन्होंने बोला था कि बुक्स में जो पैसा लेना रहता है ना, तो एक रहता है कि डेटर्स के अंदर आउटस्टैंडिंग रहता है और एक रहता है कि बैंक बैलेंस रोकड़ा, तो उन्होंने बोला कि वो बैंक बैलेंस जो पंकज भाई के पास गुरु जी के पास जो है वो रोकड़ा है, बैंक बैलेंस है, और हमारे पास जो है वो बुक्स में एज ए डेटर रिसीवेबल है, आएगा नहीं आएगा मालूम नहीं, तो उसका जो फर्क होता है, व्हाट ही वांटेड टू से इज दैट, कि जो डिफरेंस है मतलब हार्ड, मतलब जो एकदम यूजफुल लाइफ के लिए एकदम कॉन्क्रीट नॉलेज है, जो ज्ञान है वो, तो दैट इज व्हाट ही टोल्ड, मैं ही था साथ में एक्चुअली गुरुदेव, अपन ने वो बताया था उन्होंने उस समय लास्ट में। समझ रहा तो सब आचार्य भगवान भी बहुत गदगद हो गए थे उस शिविर जब हुई थी उस समय पे, और कई आचार्य भगवंतों ने कहा कि हमारा, उन्होंने लिख के दिया, ये हमारे लिए एक बड़ा आश्चर्य था, उन्होंने लिख के दिया कि हम आचार्य तो पदवी से हो गए, अब हमें लगता है हम भाव से भी आचार्य होने की हमारी गुंजाइश शुरू हो गई। तो जब 50 साल की दीक्षा पर्याय के बाद एक आचार्य भगवंत स्वयं अपने दिल से ये कहते हैं और लिखते हैं तो बहुत बड़ी आश्चर्य की बात होती है। 50 साल दीक्षा पर्याय के बाद इंसान आचार्य बन के फिर ये जब अपनी हृदय की बात करते हैं तो हमारे जैसे सामान्य इंसान की क्या बात है। और जो जो भी हमारे सेवक हैं, टोपी वाले दिख रहे हैं ना आप, हाँ वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, हाँ उनके जीवन में देखेंगे झांकेंगे, साधु साधु भी बोल रहे अब बताने क्या थी पकड़ी लाए हुआ, हाँ ये मैं लिटरली पूछे क्या आटला बता पंकज भाई तुम्हें तो आटला बता टोपी वाला ने क्या थी पकड़ी लाए हुआ, उनको पूछते पंकज भाई क्या देते आपको, फिर बोलते हाँ तुम्हें आवी सेवा करो जो लागे जो तुम्हारा, और वो आचार्य भगवान हाँ गुरुदेव उन्होंने वो भी बोला था कि इनके चेहरे पे जो नूर है एक्चुअली वो बोले हमारे साधु साध्वी के चेहरे पर ऐसा नूर नहीं है जैसा नूर इनके सेवकों के चेहरे आपके मतलब आप लोगों के चेहरे के ऊपर है, मतलब हम लोगों की बात कर रहे थे वो, बोले हमारे साधु साध्वी में भी ऐसा नूर नहीं है चेहरे के ऊपर, तो ये इमीडिएट प्रैक्टिकल रिजल्ट है। और ये जो बातें हो रही है ना आपके सबके, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना 200 लोग सबके अंदर, आप सबके अंदर ये इमीडिएटली आ सकता है, ये फॉर्मूला है, प्रयोग है, योग उपयोग प्रयोग, बोलो योग उपयोग प्रयोग, जो प्रयोग करेगा उपयोग में रहेगा उसको ये इंस्टेंट कांस्टेंट परिणाम मिलेगा। तो हमें क्या करना है, तीसरे सिग्मा थ्री में क्या करना है, सिग्मा थ्री में नमन शरण समर्पण, समर्पण याने प्रयोग, प्रयोग करना है जीवन के अंदर, ये जो प्रयोग हम सीख रहे हैं वो करना है, और नमो भाव में रहना है 2400 घंटों नमो भाव। नमो इज द जर्नी ऑफ लव,
कहीं नहीं सुना होगा आपने. नमो इज द जर्नी ऑफ लव. इफ यू रियली लव योर सेल्फ, इफ यू रियली लव अदर्स, इफ यू रियली लव अ होल वर्ल्ड, इट स्टार्ट्स फ्रॉम नमो एंड एंड्स विथ नमो. नमो ये प्रेम का विकास का मार्ग है, प्रेम विकास का मार्ग है. तीर्थंकर परमात्मा का मार्ग जो है उसका कोर पॉइंट एंड हार्ट पॉइंट है प्रेम का विकास. कौन सा प्रेम? प्रेम यानी क्या? गिविंग स्पेस विदाउट रीजंस, गिविंग स्पेस विदाउट रीजन. जगत को जगत दो बिना कारण. और जगत देना यानी आप जगत देने का माध्यम क्या? नमो. नमन, आपने 25% जगह दी. नमन यानी आपने क्या किया? ओ वेलकम 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 वेलकम, आओ आओ पधारो आओ पधारो, आई एम ऑनर्ड आपने, आप हमारे यहाँ आए, हमको मिले, हम भाग्यशाली हो गए. ऐसे बोलो. ये नमो का फर्स्ट स्टेज है. 25% आपका सक्सेस और सुकून मिल गया. शरण 50%. शरण में क्या करना है? शरण में सामने वाले को जगह देना है और उसकी बात को सुनना है. दे सकते हो क्या आप? जिस दिन से आप शरण में आओगे, नमो का सेकेंड लेवल है, लव का सेकेंड लेवल है, प्रेम का सेकेंड लेवल है. जो आदमी वाकई प्रेम करता है वो दुनिया को बिना कारण जगह देकर उसकी बात सुनता है. जो सुनेगा वो ही प्रेम करता है, जो नहीं सुनता है वो कभी प्रेम नहीं करता. सब आप देख लेना आपकी जीवन में, प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में. अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो यू हैव टू लिसन टू अदर्स. ये सक्सेस की भी चावी है और सुकून की भी चावी है और ये प्रेम की भी चावी है और ये नौकार मंत्र की सिस्टम की सेकंड चावी है, शरण. और तीसरा समर्पण. प्रयोग में लाओ, उपयोग में लाओ और प्रयोग में लाओ. उपयोग यानी याद करो, स्मरण करो, जागरूक रहो, अलर्ट रहो और उसको इंप्लीमेंट करो. इमीडिएट जैसे इंप्लीमेंट करोगे, आप कोई भी क्षेत्र में क्यों ना हो, धंधे में हो, नौकरी में हो, आपका बॉडी का प्रॉब्लम हो, मेंटल का प्रॉब्लम हो, फैमिली का प्रॉब्लम हो, स्टार्ट डूइंग दिस. अगर फैमिली की बात है, चलो हम यहां अप्लाई करते हैं 3 लेवल के नमो. स्टार्ट टेलिंग एवरीबडी आई एम लकी बिकॉज यू आर इन माई लाइफ. बोलो एक दूसरे के, परिवार के हर सदस्य को बोलो आप रोज सुबह उठकर, नमो जिनानम, आई एम लकी बिकॉज यू आर इन माई लाइफ. आप मेरे जिंदगी में हो, मैं धन्य महसूस कर रहा हूं या कर रही हूं. बोलना शुरू कर दो, स्टार्ट टेलिंग दिस. कर सकते हो क्या परिवार में? क्या आपने कभी ऐसा बोला है? नहीं बोला है तो हम इंसान है ही नहीं, हम गधे हैं, गधे. फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, स्टार्ट व्हाट दे आर टेलिंग, स्टार्ट लिसनिंग टू देम. अपनी बोबड़ी बंद करो, उनको सुनो. बहुत बोल दिया, सुनो तो सही. गिव देम स्पेस मैन. आप घर में करो, दुकान में करो, मकान में करो, पड़ोस में करो, फैक्ट्री में करो, ऑफिस में करो. स्टार्ट डूइंग दिस एवरी डे. ये प्रयोग है, ये इंप्लीमेंटेशन है, ये समर्पण है. नमो का थर्ड लेवल का समर्पण है, इसी को प्रेम कहते हैं. यही तो प्रेम का स्वरूप है. नमो जिनानम जिया भया.